जिला महिला चिकित्सालय में उचित सुविधा मिलने के कारण दूर दराज से महिलाओं की संख्या अधिक होने की वजह से विषम गर्मी में पानी की समस्या बराबर बनी रहती है, जिसके कारण मरीजों को बाहर से पानी लेना पड़ता है। जिला महिला अस्पताल में पिछले कई सालों से 60 लीटर क्षमता के चिलर का आरओ प्लांट लगा हुआ था और खराब भी हो गया था, जिसकी वजह से मरीजों को स्वच्छ और ठंडे पानी की समस्या बनी रहती थी और मरीजों द्वारा शिकायतें भी मिल रही थी। जिला महिला चिकित्सालय के SIC द्वारा मरीजों की सुविधा के लिए खराब पड़े 60 लीटर क्षमता वाले चिलर को बदलकर 160 लीटर की क्षमता का चिलर लगवाया गया, जिससे मरीजों को गर्मी के दिनों में स्वच्छ और ठंडे पानी की कमी ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर ने कहा। मैंने एक बड़ा आरओ प्लांट तो पहले से लगा हुआ है 2012 से, तो उसके अलावा जो है केंट आरओ के 6 जगह हमने लगवा रखे हैं। जगह जगह मरीजों को पानी पीने के लिए शुद्ध वाटर मिलता है और उसकी रेगुलर सर्विस भी कराते रहते हैं, लेकिन एक चिलर भी उसके साथ लगा हुआ है जिसका कि अभी रिपेयर कर दिया गया है और सर्विस भी करा दी गई है। आपको बताता चलूं कि जिला अस्पताल में एक बड़ा आरओ प्लांट लगा है और उसमें चिलर भी लगा था जिसकी जो अभी कुछ दिन पहले ख़राब हो गया था, उसकी कैपेसिटी 60 लीटर थी और उसमें तभी हमने उसको चेंज करवाया है, तो देख रहा हूँ कि मरीजों की संख्या जो है पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। तो मरीजों की संख्या के दृष्टिगत चिलर की कैपेसिटी पहले जो 60 लीटर थी उसको 160 लीटर करा दिया गया है। अब फिल्टर चिलर चिल वाटर तथा नॉर्मल वाटर भी आएगा जिसका TDS 15 से 35 के बीच में ही रखा गया है।